नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जीएसटी की दरों में कटौती करके अब आम उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार 12% और 18% की दरों का विलय करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो एक आम उपभोक्ता को जबरदस्त फायदा होगा। कई उत्पादों पर टैक्स भी कम होगा। तो ये नया टैक्स कितना होगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी आलू प्रकाश प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? ये 12 और 18 का स्लैब अगर खत्म करके एक किया जाता है तो करीब करीब 14 से 15 के बीच हो सकता है नया स्लैब? जी देखिए, तैयारी इसी बात की है और वित्त मंत्रालय इस बात के फेवर में है कि एक नया प्रस्ताव तैयार किया जाए जिसको कि जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। और जैसा कि हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नवंबर के आखिर तक ये प्रस्ताव जो है जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा, जिसमें 12% और 18% के जो जीएसटी स्लैब है उन दोनों को मर्ज करके 14 या 15% का स्लैब बनाया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि काफी बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी खुशखबरी होगी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो 18% स्लैब में है। करीब करीब 650 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट है जो 18% के स्लैब में है। और इसका मतलब ये है कि अगर 15% का भी स्लैब नया स्लैब बनता है तो 3% की बचत है या 3% की छूट है वो कंज्यूमर को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में इस प्रस्ताव को रखना है। और ये देखा जा रहा है कि पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें 28% के स्लैब से काफी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 18% के स्लैब मिलाया गया था। तो सरकार अभी और काउंसिल के जो मेंबर्स हैं अभी ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन पे इसका कितना असर होता है। आगामी 2-3 महीने के अंदर जब एक बार कनेक्शन बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि 1 लाख रुपए के आसपास का जो कलेक्शन है वो अगर इसमें अस्थायी तो आता है तो जाहिर तौर पे इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही जो अभी जो 5 स्लैब हैं वो घटकर 4 स्लैब हो जाएंगे। तो फौरी तौर पे इस साल के आखिर तक 4 स्लैब हो जाएंगे जीएसटी के। और योजना ये भी है कि लॉन्गर टर्म में इसको कम करके 3 स्लैब किया जाए। तो जाहिर तौर पे कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।